दिवाली के बाद बारामती में सुबह सुबह चुनाव प्रचार में जुटे डिप्टी सीएम अजीत पवार, मलाड़ गांव के ग्रामीणों से मुलाकात की, अपने पक्ष में वोट अपील की। महाराष्ट्र कांग्रेस में बागियों को मनाने की कवायद तेज, प्रभारी रमेश चेन्नीथला खुद बागियों से कर रहे हैं बात। मुंबई कांग्रेस के पूर्व नेता रवि राजा बीजेपी में शामिल, देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। रवि राजा को मुंबई बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया, मुंबई बीजेपी चीफ आशीष शेलार ने दी जानकारी। बीजेपी में शामिल होने पर रवि राजा ने कहा, महायुति के लिए चुनाव प्रचार करूंगा, कांग्रेस में टिकट बंटवारे में हो रहा है भेदभाव। मुंबई कांग्रेस चीफ वर्षा गायकवाड़ ने कहा, रवि राजा जहां भी रहें खुशी से रहें, पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। हर चुनाव में अलग अलग चुनौतियां होती हैं, लोकसभा चुनाव में अलग माहौल था, विधानसभा चुनाव में अलग, आशीष शेलार का बयान। मिलिंद देवड़ा वर्ली को अच्छे से जानते हैं, आदित्य ठाकरे तो सिर्फ 5 साल से वर्ली को जानते हैं, आशीष शेलार का बयान। रवि राजा के बीजेपी में शामिल होने पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, कांग्रेस के कई और नेता भी हमारे संपर्क में हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक आर तमिल सिल्वन का बयान, मैं देवेंद्र फडणवीस को नेता नहीं भगवान मानता हूँ, वो गलत फैसले ले ही नहीं सकते। बीजेपी नेता अशोक चौहान ने जताई उम्मीद, भोकर से उनकी बेटी जीतेगी। 6 नवंबर को महाविकास अघाड़ी के इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत, राहुल और उद्धव भी रहेंगे मौजूद, शरद पवार ने दी जानकारी। जनता के बीच हम अपनी विचारधारा और मैनिफेस्टो को लेकर जाएंगे, शरद पवार का बयान। नांदेड़ से कांग्रेस कैंडिडेट अब्दुल सत्तार ने कहा, महाराष्ट्र की जनता का समर्थन एमडीए के साथ है। सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, बीजेपी अब ओरिजिनल बीजेपी कहां रह गई है, उसमें कांग्रेस के ज्यादा विधायक नजर आते हैं। पहले की बीजेपी एक अनुशासित और संस्कारी पार्टी थी, अब इसके लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, सुप्रिया सुले का बयान। बारामती से एनसीपी शरद गुट के कैंडिडेट युगेंद्र पवार ने कहा, कभी सोचा नहीं था चाचा अजीत पवार के खिलाफ चुनाव लड़ना होगा, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आरएफ नसीम खान का बयान, 4 नवंबर के बाद महायुति टूट जाएगी। रवि राजा और जयश्री पाटिल के पार्टी के छोड़ने से कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारे कार्यकर्ता एकजुट हैं, आरएफ नसीम खान का बयान। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखा खत, महाराष्ट्र डीजीपी रश्मि शुक्ला को फिर से हटाने की मांग।